हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस टुडे और टॉपिक इज आर्टिकल जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था आर्टिकल्स की एक्सरसाइज को तो आज फिर से हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे तीन आर्टिकल हैं ए एन और द ए और एन जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है द जो है वो दैट इज डेफिनेट आर्टिकल जो हमें डेफिनेट किसी चीज के बारे में बताता है दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल तो कम टू द फर्स्ट स्लाइड

गिटार फॉर मी एक गिटार वो मेरे लिए क्या करेंगे खरीदेंगे ठीक है नेक्स्ट डैश मैन वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉटर वो कह रहा है ये जो आदमी है वो किसके लिए देख रहा है अपनी बेटी को देख रहा है मतलब देख रहा था ठीक है तो द मैन यहाँ पे क्या आएगा राइट right ऑप्शन रहेगा द मैन वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉटर

कह रहा है मैग ने क्या देखा एक एरोप्लेन देखा जो स्टैंड हो रहा था मतलब कहाँ पे था रन वे पे ठीक है तो एरोप्लेन जो है दैट इज द वोबल साउंड एन का यूज होगा ठीक है एन इज द राइट आंसर नेक्स्ट सेवेंथ इज द डैश स्कूल स्टार्ट एट इलेवन ए एम वो कह रहा है जो स्कूल है वो कितने बजे खुलता है ग्यारह बजे ठीक है तो द स्कूल आएगा क्योंकि हम पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं तो हेयर वियर जो वॉवल लगेगा जो हमारा आर्टिकल यूज होगा दैट इज दई लव डैश ब्लू कलर मोस्ट वो कह रहा है मैं क्या पसंद करता हूँ आई लव द ब्लू कलर मोस्ट तो मोस्ट भी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री इसलिए हम द का यूज आएगा यहाँ पे ठीक है वो कभी he didn't, वो क्या नहीं कर पाता था अटर करना होता है प्रनाउंस करना उच्चारण करना आप कभी वो कभी भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाता था ई डिडंट अटर्ड अगल वर्ड ठीक है अज द राइट आंसर नेक्स्ट इट इज डैश इजी मैथ प्रॉब्लम वो कह रहा है ये क्या है कि इजी मैथ प्रॉब्लम है तो इट इज एन आएगा क्योंकि ई e जो है दैट इज दैट गिव्स द साउंड ऑफ वॉवल्स तो वॉवल्स के साउंड के साथ आपका एन यूज होता है नेक्स्ट कैन वी गो टू डैश पार्क नियर माई स्कूल वो कह रहा है कैन वी गो टू द पार्क या हम पार्क जा सकते हैं जो मेरे स्कूल के पास है ठीक है तो so, द आएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्क दैट इज नियर द स्कूल ठीक है वो पर्टिकुलर पार्क है तो इसलिए द आएगा ही इज द एडिटर ऑफ दैट वो क्या है ही इज द एडिटर वो क्या है एडिटर है उस न्यूज पेपर का वो क्या है एडिटर है तो so, उस न्यूज पेपर का जो एडिटर होगा दैट इज द पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एडिटर एक पर्टिकुलर न्यूज के एडिटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डर लगेगा डैश इमेज ऑफ माय चाइल्डहुड डेज वो कह रहा है मैं क्या मुझे क्या मिली है एक इमेज मिली है मेरे चाइल्डहुड डेज की तो ई की साउंड है आई हैव फाउंड एन इमेज ऑफ माय चाइल्डहुड डेज तो एन लगेगा द वर्ल्ड वॉर सेकंड took प्लेस बिटवीन 1939 टू 1945 वो कह रहा जो वर्ल्ड वॉर थी वो किसने सेकंड जो वर्ल्ड वॉर थी वो किसने मतलब किस आ, कब हुई थी 1939 और 1945 के बीच में तो यहाँ पे आएगा द वर्ल्ड वॉर सेकंड क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड तो वही थी ना जो 39 और 49 के जो पर्टिकुलर वॉर की बात कर रहे हैं तो द इज द राइट आंसर हाउ इज अयूजफुल एनिमल का क्या है एक यूजफुल एनिमल है तो ये तो सिंपल है अ ही आएगा यहाँ पे प्लीज चेंज डैश टॉन हंड्रेड रुपीज नोट वो कहता प्लीज चेंज आप चेंज करो ये जो फटा हुआ हंड्रेड रुपीज नोट है प्लीज चेंज द टॉर्न ये जो नोट मेरे पे हाथ में होगा तभी तो मैं बोल रही हूँ कि इसको चेंज करो तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर नोट दैट इज टॉर्न जो फट गया है ठीक है Will dash dog bite. वो कह रहा है क्या ये जो डॉग है वो बाइट करेगा विल द डॉग बाइट क्या ये जो डॉग है वो काटेगा मतलब ठीक है तो मैं उस डॉग की बात कर रही हूं इसलिए दर लग रहे टीचर मैं क्या हूं एक इंग्लिश टीचर हूं तो एन आएगा क्योंकि ई जो है दैट इज द वॉबल साउ डैश बाकिंग साउंड सेल्डम बाइट वो कह रहा है बाकिंग साउंड barking डॉग नेक्स्ट इज द डैश नाइल इज इन इजिप्ट इज इन इट वो कह रहा है अब नाइल जो है वो एक ही जो इजिप्ट में है ठीक नाइल तो है नाइल तो वह है द नाइल आएगा द नाइल इज इन ये जीप्ट, जो है वो इजिप्ट में है इज नॉट इट वो कह रहा है क्या वो नहीं है ठीक है वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं साथ में तो दर जो होगा वो राइट आंसर रहेगा आपका तो गाइज ये आपके ट्वेंटी सेंटेंसेस थे जो आपके आर्टिकल्स के थे जो हमने आज फिल किए तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आपका ये रहा आपका होमवर्क तो आर्टिकल्स को इसको द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद आर्टिकल इसको आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द जो भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा उसको फिल कीजिएगा इनको देख के आई होप कि आप अच्छे से फिल करेंगे तो ये आपका प्रीवियस डे uh, का जो मैंने आपको वर्क दिया था ये होमवर्क है वो आज इसको डिस्कस करेंगे तो कम टू द फर्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट वीक आई विल विजिट डैश जू विद माई फैमिली वो कह रहा है अगले वीक आई विल विजिट मैं विजिट करूंगा अजू एक जू में अपनी फैमिली के साथ तो ज जो साउंड है दैट इज द कंसोनेंट इसलिए अ जो होगा वो राइट आंसर रहेगा द हैन लेज डैश एग पर डे वो कह रहा है हैन हैन जो है वो ले करती है एन एग एक एग को हर दिन ठीक है द हैन लेस एन एग पर डे थर्ड माई ब्रदर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी सॉरी गाइज यहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग गलत हो गया तो इसको करेक्ट कर देंगे हम तो माई ब्रदर स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी मेरे जो ब्रदर है वो कहाँ स्टडी करता है एक यूनिवर्सिटी में य की साउंड आ रही है तो यो है वो बॉबल साउंड नहीं है आई मेडिटेट फॉर डैश और डेली आई मेडिटेट फॉर एन और डेली वो कह रहा मैं meditate है मैं मेडिटेट करता हूँ डेली एक घंटा ठीक है फिफ्थ फुटबॉल इज डैश पॉपुलर स्पोर्ट इन दर्ल्ड वो कह रहा जो है फुटबॉल गीता हमें क्या करना चाहिए पढ़नी चाहिए भागवत गीता तो वी शुड रीड द भागवत गीता ही इज मेकिंग डैश क्ले पॉट वो क्या बना रहा है ही इज मेकिंग अले पॉट ठीक है अब होगा वो राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू इज डैश प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जो है दैट इज द दी इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो द आएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एक ही है दैट इज़ द द्रौपदी मुर्मू देयर इज डैश वुडन टेबल इन माई रूम वो कह रहा है मेरे रूम में क्या है एक अ वूडन टेबल इन माई रूम टेंी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन वो क्या है एक ब्यूटीफुल वुमेन है तो गाइस ये आपके आर्टिकल्स की वीडियो रही जो कल की थी आज हमने इसको डिस्कस कर लिया आई होप कि आपके सारे ही आंसर्स करेक्ट होंगे तो जो आपको मैंने होमवर्क दिया है उसको भी अच्छे से फिल कीजिएगा तो आई होप कि आपको सब वीडियो समझ आई है आर्टिकल्स को किस तरीके से फिल किया जाता है कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है कौन से डेफिनेट इनडेफिनेट है और कौन तो इसका यूज कैसे कैसे होता है तो गाइज वो अच्छे से आप फिल करना और कल हम उसको डिस्कस करेंगे थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो Okay, friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share, and subscribe my channel.